से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस उन्हें धोखेबाज कह रही है, उनके परिवार को देश से गद्दारी करने वाला कह रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सब पर अपना जवाब देते हुए कहा है, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो या मैं, हमने कभी भी राजनीति में छल कपट का सहारा नहीं लिया, इसलिए लोग हम पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने खुद को पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया, अब यही मेरा परिवार है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से धोखेबाजी जैसे सवाल उठाती रही है। जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, कमलनाथ सरकार गिरी है, पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर कांग्रेस ने ले रखा है और अब इन सब सवालों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना जवाब दे रहे हैं। सिंधिया ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया, जनता के साथ झूठा आश्वासन देकर सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूला है। ऐसी सरकार को सड़क पर लाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी है। जिन कौरवों ने जनता का पैसा लूटा, उन्हें इस चुनाव में जमकर सबक सिखाया जाए। सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे यहाँ कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है, इस भावना के साथ हमें मिलकर काम करना है। आपको बता दें, 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, टाइगर जिंदा है। उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में अब तक सियासत हो रही है। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक टाइगर जिंदा है वाले बयान पर तंज कस रहे हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।